मेरा नाम मोहम्मद शफी है, मैं कश्मीर में रहता हूँ। मेरा एक आइडिया था कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ। पहले क्या होता था कि मैंने ये जो वॉलेट पीली मशीन बनाई है, पहले मैन्युअली काम करना पड़ता था क्योंकि लेबर भी ज़्यादा लगते थे। उसके लिए मैंने सोचा कि किस तरीके से मैं इस मशीन को बनाऊँगा, इस वॉलेट पीली मशीन को, क्योंकि लेबर ज़्यादा लगते थे, हाथों से करना पड़ता था तो लेबर भी ज़्यादा लगते थे, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि लेबर भी ज़्यादा लगते और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता था। तो खाली 2 महीने का सीज़न होता है ये पील करने का, तो उसके लिए मैंने ये मशीन बनाई है। किस तरीके से मैंने मशीन बनाई है, पहले मैंने डब्बे का छोटा सा बॉक्स बनाया, उसके हिसाब से मैंने देखा कि किस तरीके से ये पील हो सकता है, तो उसके बाद मैंने इस मशीन को बनाया है। तो मुझे बहुत सी प्रॉब्लम आई पील करने में, मतलब पहले क्योंकि सीज़न भी ऑफ रहता था, कंटिन्यूसली सीज़न नहीं रहता है इसका, 2 महीने का सीज़न रहता है, तो उसके लिए मैंने ये मशीन बनाई है। तो उसको सीज़न ऑफ होने की वजह से इसको मुझे कम से कम 4 साल लगे बनाने में। क्या होता था कि मैंने ये मशीन जब वहाँ से वॉलेट, पहले जब हम वहाँ से ग्रीन वॉलेट डालते हैं इस मशीन में, तो उसको चेक मैंने किया किस तरीके से ये पील हो सकता है, तो मतलब डिफरेंट साइज़ का मैंने इसका तोड़ फोड़ करके इस मशीन को बनाया है। तो इस टाइम ये वॉलेट मशीन मतलब सक्सेसफुल हो गया है। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम पेड़ से उतार कर ग्रीन वॉलेट इसमें डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से मैंने 1 HP का मोटर लगा हुआ है, यहाँ पे 1 HP का मोटर है, तो ये इस तरीके से रोटेट होता है। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग लगाए हैं, ये ऐसे अप डाउन होकर, क्योंकि डिफरेंट साइज़ के वॉलेट आते हैं, छोटे बड़े वॉलेट इसमें आते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है। ऊपर से स्प्रिंग लगा हुआ है और एक जाली लगी हुई है, और इसको मैंने एंगल शेप इसलिए दिया है ताकि इसको रोटेशन ज़्यादा मिले, वॉलेट को ज़्यादातर रोटेशन मिलनी चाहिए क्योंकि उसको रोटेट होकर ही पील होना है, इसलिए मैंने इसको एंगल शेप दिया है। यहाँ पे मैंने कन्वेयर लगाया है, कन्वेयर सीधा चलता है और अखरोट को सीधा जाना था, मगर ये रोटेशन में आ जाता है, इसलिए ये ऐसे होकर पील होकर रोटेशन में आ जाता है, और उसका जो स्किन है वो काट काट करके इस कन्वेयर के नीचे गिर जाता है, और उसके बाद ये यहाँ से उसका छिलका जो कचरा है वो यहाँ से बाहर निकलता है और पील होकर साफ होकर यहाँ से निकल जाता है। तो ये 1 मिनट में 45 kg पील कर सकता है। आप खुद समझ सकते हो कि कितना लेबर ये बचा सकता है और टाइम भी कितना बचा सकता है। थैंक यू। इसको हम जो ये मशीन है, इसका कॉस्ट है 50,000 में तो इसका लगभग मटेरियल ही आता है, मोटर 1 HP का मोटर, बाकी मटेरियल, तो उसके हिसाब से 50,000 तक में बना सकता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है बनाने, इसलिए 50,000 में बना सकता हूँ। क्योंकि ये जो बड़ी मशीन है, इसे छोटी भी बना सकता हूँ, मतलब 25,000 भी बना सकता हूँ।